अजीब सी कि मम्मी की तो नुस्खे ही खत्म होते हैं। आजकल के बच्चे तो ऐसे ही कहते रहते हैं। अब चलो चुन्नू मुन्नू को ढूंढते। चुन्नू मुन्नू कहाँ चले गए तुम? अरे कहाँ चले गए तुम? मेरा दिमाग वेलकम बैक टू द वन न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल, फिट एंड फाइन। सो गाइस, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। मॉर्निंग की शुरुआत हुई है तनिष्का और मिश्का स्कूल से आ चुकी हैं, बिकॉज आज जल्दी का स्कूल था, जल्दी जल्दी आ गई। सो गाइस, यहाँ पे ना किसी का फोन आ गया था, तो मैं फोन अटेंड करने लग गई और मैं कह रही थी कि तनिष्का मिश्का भी स्कूल से आ गई हैं। तनिष्का का आज हाफ डे था और मिश्का भी जस्ट स्कूल से आई है, तो व्लॉगिंग की शुरुआत की है। आराम से, तसल्ली से जो व्लॉगिंग होती है ना, वो नहीं हो पा रही। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। और आज का डे भी, आज के डे की शुरुआत हुई, हम लोगों ने खाए गर्मा गर्म आलू और मेथी के पराठे, क्योंकि तनिष्का के डैडी को वो मेथी के जो पराठे हैं ना, आ गई मेरी एक शैतान बुरी आ गई। और गाइज, ये ना आजकल दो शैतान हो गई, बहुत ज्यादा शैतान हो गई है। और हम दोनों ना, मैं और तनिष्का, इसको पिक करके लेके आए, इसको उठा के लेके आए गोद में, और आते ही आते ही ये लेके आए। क्या लेके आए हो मिशु? वो आपकी चीज का है, वो मैंने फ्रिज में क्यों रखी, खाई क्यों नहीं? तो गाइज देखिए, मैं हम दो लेके आए थे, एक तनिष्का की, बट तनिष्का को थोड़ी खांसी है तो तनिष्का को नहीं दूंगी, ये तनिष्का के हिस्से की। और ये मैं खाने वाली हूँ एल्पिन लीबे की कैंडी, सो ये वाली है। और तनिष्का अपने लिए लेके आई, इसे हाय गाइस, हाय गाइस, अपने ही सूट के कलर का ना ये आज कॉटन कैंडी लेके आई। और देखिए इसकी टंग भी बिल्कुल ऐसी हो गई है, और आज ये ना सारा ना ब्लू ब्लू चैलेंज करने वाली लग रहा है। और मेरे पास ना ब्लू कलर की थिंग्स भी है, और ये पूरा ब्लू कलर का भी। और गाइस ये ना, इसने ना देखिए एक क्यूट सा ना टेडी बियर बनाया हुआ था यहाँ पे, टाइगर बनाया है। तो ये कह रही है, मम्मा मेरी ना बैग की ना की चेन बना दो, इसे इसको ना ऐसे गम से ना ऐसे पेस्ट कर दो, तो ये ऐसे चिपक जाएगा। और देखिए कितना क्यूट सा है ये, देखिए कितना क्यूट है, बहुत मैंने बनाया है। सो अभी फिलहाल हाँ, और गाइज आज का डे तो घर ही घर में है, और बस लंच करने जा रहे हैं। और लंच में आज वही पराठे, और मैं खाने वाली हूँ। क्या खाना है बताओ जल्दी? आज गाइस सोच रहे हैं कि ना बहुत दिनों के बाद आज मैगी पार्टी करते हैं, मैगी एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म, और मूंगफली खाते हैं और टीवी देखते हैं। और कल हम लोगों ने ना एक मूवी देखी थी, कौन सी थी वो ताशु? ट्रोल। गाइस वो ट्रोल मूवी देखी हमने, शॉर्ट में देखी, और इतनी मतलब डेंजरस थी कि मैं क्या बताऊं। देखिए इसको खांसी। गाइस 2 मिनट के लिए ना हम साइलेंट हो गए, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, ये खा 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 करे जा रही है लड़की, और इसको बाहर की चीजें बिल्कुल मना की हुई है, इंजेक्शन इसने लगवाया नहीं। और ये देखिए इसको कितनी हंसी आ रही है। अच्छा ताड़ का बंदे, ऐसी ऐसी हरकतें करती है। और गाइस 2 दिन से ना इसको मैं हैंडल कर रही हूँ, और अच्छे से इसको ना पढ़ाई करवा रही हूँ, क्योंकि ये ना बिल्कुल पढ़ाई में ना बहुत ज्यादा ना, इसको वैसे सबसे इसको डांस के स्टेप याद रहेंगे, इसको गाने याद रहेंगे, इसको बातें याद रहेंगी इसको, पर ये ना जो चीजें लेती है ना उसको रख के भूल जाती है। इसने क्या किया, मैं छोटे छोटे वाले ना, कौन से वाले थे वो, बर्गर और पिज्जा और गमी बर्गर लेके आई थी इन दोनों के लिए, फ्रिज में रख गई ट्यूशन जाने से पहले, और फिर भूल गई, और फिर पूरे घर में ढूंढ रही है मेरे कहां गए। वो नेक्स्ट डे जब मैंने फ्रिज में से अदरक निकाली ना, तो मुझे मिलेगी इसके गमी पिज्जा और अदरक वहां रखे हैं, ऐसे चीजें रख रख के भूल जाती, खुद ही इतने संभाल के रख देती। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं फटाफट से लंच करने। और मैं कह रही थी पराठे ना बहुत ज्यादा टेस्टी बने, बहुत ही ज्यादा, और इतने अच्छे बने ना कि अब लंच में भी खाने का मन कर रहा है, पर ये कह रहे हैं मैगी खाएंगे, तो मैगी खा लेते हैं, और फिर जल्दी से खा के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर इनको पढ़ाई भी करवानी है। और आज से ना इन दोनों को ना हैंडल करने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि डांस भी प्रैक्टिस करानी है इनको और पढ़ाई भी करवानी है, तो इनका बिजी शेड्यूल हो रहा है। सो फिलहाल चल रहे हैं फटाफट से लंच करते हैं, लंच के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, मिलते हैं रेस्ट के बाद। ठीक है गाइस,
और आज जो ये प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ाई करेंगे ना, उसकी भी थोड़ी थोड़ी व्लॉगिंग करूंगी मैं, और आपको दिखाऊंगी कि इस लड़की ने ये करती क्या है, करती क्या है। ये सोने को दे दो गाइस, इन्हें जितना मर्जी, ये और बच्चे हैं टाइम से ट्यूशन जाएंगे, टाइम से सब कुछ करेंगे, और ये इतनी आरामदायक हो गई है कि अगर इन्हें 1 बजे सुलाओ तो 5 बजे तक ट्यूशन नहीं जाती है। 4 बजे ट्यूशन था तब इनका टाइम नहीं था, 5 बजे है तब भी सोती रहती है ये, बस यही करवा लो इनसे। तो चलिए जल्दी जल्दी से अब शेड्यूल इनका मैं चेंज कर रही हूँ जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी इनको थोड़ा सा ना ट्रैक पे लेके आ रही हूँ इनको भी, दोनों को। तो फिलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लंच करते हैं। सो गाइज, ये जो हैंडराइटिंग आप देख रहे हैं ना, ये है तनिष्का की, और देखिए कितना ब्यूटीफुल इसकी हैंडराइटिंग हो गई है, पहले से बेटर, बहुत अच्छी हो गई है, बहुत इम्प्रूवमेंट किया है तनिष्का ने, टच वुड। और यहाँ पे ना इसने सारी कंट्रीज और कंट्रीज की जो कैपिटल्स होते हैं वो लिखे हैं यहाँ पे सारे, और आज तनिष्का के ना मार्क्स भी बहुत अच्छे आए टेस्ट में, और वो डैडी को दिखा रही है। सो गाइज, यहाँ पे ये देखिए तनिष्का का टेस्ट, स्कूल का नाम नहीं लिखना चाहिए, ये देखिए गाइज तनिष्का को 4 मिला है, गुड मिला है, और मार्क्स तो दिखा दे ऊपर ऐसे, हाथ ऐसे पकड़ ले ऐसे, 20 out of 20, ये 20 out of 20 में से दो दो में से 20 out of 20 गुड मिला है, और स्टार भी मिले हैं तनिष्का को। और गाइस ये वाला ना मैंने बोला था, इसमें ना थोड़ा सा टफ पेपर आया था, इसमें ना हमको स्लोगन लिखना था सेव एनिमल्स पर। गाइस आई कसम से किसी को भी नहीं आ रहा था, ये सिर्फ मैंने करा है। यस, ये है मिश्का का टेस्ट, मिश्का ने भी पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट की है, 10 में से 8 मार्क्स लेके आई है ये मैथ में, इसने एक गलती कर दी, 8 और 0 को 0 ही कर दिया इसने, जबकि 8 आना चाहिए था, बट यहाँ पर हिंदी में अच्छे आए हैं इसके मार्क्स, मेहनत जो की थी लड़की ने, पूरे बटा पूरे नंबर आए हैं 10/10, और स्टार भी मिल गया है मेरी छोटी सी स्टार को। गुड गर्ल, गुड गुड गर्ल, कीप इट अप बेबी, कीप इट अप। चलो फटाफट से खाना खाओ और नीनी करते हैं, ठीक है? छोटी सी हमारी टेस्ट। हाँ, सो गाइज आज का व्लॉग एंड करेगी मिश्का, मिशु। सो गाइज आप भी प्रैक्टिस करें, खूब पढ़ाई करें, और खूब मेहनत करें, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और खूब मेहनत करें और तभी आपके मार्क्स हमारी तरह अच्छे आएंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं तो कहता हूँ कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, मैं तो कहता हूँ कोशिश करते रहो, कामयाब हो गए तो घर वाले खुश, नाकाम हो गए तो रिश्तेदार खुश। गाइस हमारी मिश्का गुस्सा हो गई है खेलते खेलते, मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या हो रहा है, क्या बैठी है, मेरा दिखाना। ये गाइस ये ना ऐसे ना सर पे उड़ के माता रानी बन के बैठी, माता रानी बन के बैठी हुई। मिशु क्या हुआ इसे पूछते, क्या हुआ मिशु, मिशु मिश्का, ओ ये आपका बेबी गिर गया, ओ इसको मिट्टी भी लग गई, मिशु आपका बेबी गिर गया, किन्ने गिराया, और ये दुपट्टा क्यों फेंक दिया, इसको उड़ा लो, इसको फीवर हो जाएगा, क्या हुआ आपको। और यहाँ पे ना तनिष्का कुछ बना रही है, अभी जब बना लेगी ना गाइस तब मैं आपको फाइनली दिखाऊंगी कि क्या बना रही है तनिष्का, और अभी बस लगी हुई है कुछ ना कुछ मेकिंग में। और हम लोग ना आज टेरिस पे आए थे, बहुत ही अच्छी धूप, और इन लोगों को थोड़ा सा कोल्ड हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आज इनको धूप दिखाते हैं, और छुट्टी भी थी इनके स्कूलों की, सो दोनों के सो यहाँ पे आए हैं हम धूप सेकने के लिए, और धूप सेक रहे हैं दोनों की दोनों, तनिष्का ने तो अपना रैप अप कर लिया और नीचे जा रही है, और तनिष्का यहाँ पे कुछ बना रही है, और मिश्का ने कुछ बनाया था उसकी थोड़ी सी क्लिपिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है गाइस, ये देखिए
यहाँ पे बूट पॉलिश वाले बैठते हैं ऐसे, बूट पॉलिश, मेरे बूट पॉलिश करना प्लीज। ऐसे तो ज्यादा नहीं हो गए, मतलब कुछ भी। बूट पॉलिश वाली क्या, बूट पॉलिश वाली दीदी है ये, तो भैया नहीं है, बूट पॉलिश वाले भैया, भैया भैया मेरे बूट पॉलिश कर दो प्लीज। कितने में करते हो आप, ऐसे करते हो बूट पॉलिश? देखो ऐसे ना, ये वाले, ये तो मैंने पहने हुए हैं पर इस पे तो पॉलिश ही नहीं होंगे, इस पे शाइनिंग हो जाएगी, हो जाएंगी ना भैया ड्राई क्लीन है भैया, भैया ड्राई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, यहाँ पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सो गाइज यहाँ पे ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक जादुई चीज, अभी मैंने उस पर कैमरा नहीं डाला है क्योंकि तनिष्का ने इतनी मेहनत करके धूप में बैठ के बनाई है बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग थिंग्स, जिसको अब दिखाने जा रही है तनिष्का। 1, 2 and 3। सो गाइज 1 by 1 देखिए, ये सबसे बड़ा रोबोट बनाया है तनिष्का ने, उसके बाद बनाई ये है बहुत ही प्रिटी, ये देखिए, और उसके बाद तनिष्का ने सेकंड बनाया है। तनिष्का ये क्या है? स्नोमैन। ये स्नोमैन बनाया है बहुत ही ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है दिस आल्सो वेरी गुड। ये छोटा वाला रोबोट है, ये बड़ा वाला है? यस, ये इसका छोटा भाई है, जैसे तनिष्का और मिष्का दोनों बहने हैं वैसे ये दोनों भाई है। और ये है मेरे पास एक गाड़ी, बहुत ही सुंदर गाड़ी बनाई है, ये देखिए वेरी नाइस। ओके, और ये है मेरे पास क्रिसमस क्रिसमस ट्री, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। सो तनिष्का ने इसकी प्रिपरेशन कर ली है, और ये मैं तनिष्का ये तोड़ना नहीं है, अब ये क्रिसमस ट्री के आगे रखेंगे सारे टॉयज, डोंट बी स्पॉइल। ओके, सो वी देखिए बहुत मेहनत करके बहुत प्रिटी प्रिटी थिंग तनिष्का ने बनाई है, सो वेल डन तनिष्का। यस, और ये मुझे ना वो भी लग रहा है रोबोट से ज्यादा वो लग रहा है ये मुझे सेंटा क्लॉज। और यहाँ मिश्का सबको अमृत पिलाती घूम रही है गाइस, ये देखिए इसने शरणामृत बना रखा है, सबको पिला रही है, मम्मी बन के सबको पिला रही है। नहीं, ये अमृत नहीं है, ये देखो इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी जूस बनाया। ओके, स्ट्रॉबेरी जूस बनाया, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स है, और दोनों ने धूप में बैठ के मैंने सोचा धूप भी सेक लेंगी और कुछ काम भी कर लेंगी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स बनाई है जो विच इज लुकिंग वेरी प्रिटी गुड वाइब्स। कलीरे पर तनिष्का डोंट बी स्पॉइल दिस, बहुत मेहनत लगी है, बहुत ही प्रिटी बने, और गाइस रुकिए।